हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखने वाले हैं कि अनहेल्दी पीरियड्स क्यों होते हैं, मतलब आप कैसे पहचान सकते हैं कि आपका जो पीरियड्स है वो हेल्दी है या अनहेल्दी है। मतलब जो महिलाएं होती हैं उनको पीरियड्स तो होता है, लेकिन कई बार वो पीरियड्स गंभीर समस्या लेके आता है, तो उसको हम पहचानेंगे कि कैसे वो अनहेल्दी है, हमारे शरीर के लिए सही नहीं है या हमारे शरीर को नुकसान करने वाला है। तो शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक से, अनहेल्दी पीरियड्स के संकेत जिसको आप महिलाओं को पहचानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पहला है आपका अनहेल्दी पीरियड्स, जानने से पहले हेल्दी पीरियड्स क्या होता है ये जानेंगे। हेल्दी मतलब आपका जो पीरियड्स है 5 से 7 दिन के अंदर में कंप्लीट हो जाना चाहिए। नॉर्मल जो ब्लीडिंग होता है 80 ml आना चाहिए, 80 ml के बाद ज़्यादा अधिक ब्लीडिंग नहीं होना चाहिए, अधिक पेन नहीं होना चाहिए पेट में, लोअर एब्डोमेन की तरफ ज़्यादा पेन नहीं होना चाहिए। नॉर्मल पेन चलता है, क्रैम्पिंग थोड़ा चलता है, लेकिन ज़्यादा मात्रा में क्रैम्पिंग नहीं होना चाहिए, वो होता है हेल्दी पीरियड्स। लेकिन अनहेल्दी पीरियड जो कि आपकी आगे जीवन शैली में आगे बीमारी लेके आ सकता है, इसके बारे में जानेंगे। तो पहला है अनहेल्दी पीरियड्स में सबसे पहली बात है कि लंबे समय तक हैवी ब्लीडिंग होना। हैवी ब्लीडिंग मतलब जो 80 ml ब्लीडिंग जाना है उससे भी ज़्यादा मात्रा में ब्लीडिंग होता है, खून का बहाव होता है, और साथ ही साथ आपको बार बार पैड चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है। मतलब हर 2 घंटे 1 घंटे में आपका पैड पूरी तरीके से भीग जाएगा। तो ऐसे कंडीशन को हम लोग हैवी ब्लीडिंग बोलेंगे, जो कि आपके शरीर के लिए सही नहीं है। हैवी ब्लीडिंग होने की वजह से आपको आगे जाकर के वीकनेस, कमजोरी या फिर और भी थकान महसूस जैसे हो सकता है। तो हैवी ब्लीडिंग होने वाली महिलाओं को पहचानना है कि वो अनहेल्दी पीरियड्स है, वो जो कि आपके शरीर के लिए सही नहीं है, इतना ब्लीडिंग नहीं होना चाहिए। दूसरी बात है कि आपका जो ब्लीडिंग और पीरियड्स है वो पेनफुल होता है। जो अनहेल्दी पीरियड्स होते हैं जिन लोगों को, उनका बहुत ही ज़्यादा पेनफुल पीरियड्स होता है। मतलब इतना ज़्यादा दर्द बना रहेगा, असहनीय दर्द बना रहेगा कि वो बिस्तर से उठ भी नहीं पाएंगी। एनी टाइम 3 दिन 4 दिन जितना भी उनका पीरियड जा रहा है उनको बिस्तर में ही लेटे रहना पड़ता है, और थकान महसूस होती है और वो रोते रहते हैं दर्द की वजह से। तो आपको पहचानना है कि अनहेल्दी पीरियड्स के संकेत हैं। उसके बाद है ब्लीडिंग बिटवीन पीरियड्स, मतलब आपका जो पीरियड्स ख़त्म हो चुका है ना, 5 दिन 7 दिन जो होता है वो पीरियड्स ख़त्म हो जाता है, ख़त्म होने के बावजूद भी आपका उसके बाद वापस से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाता है ना। मतलब इस पीरियड से लेके अगले आने वाले पीरियड्स के बीच में जो महीने भर का टाइम रहता है 28 दिन का, इस बीच में उनको वापस से पीरियड आना स्टार्ट हो जाता है, पेन होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये अनहेल्दी पीरियड्स का संकेत है, आपको पहचानना चाहिए। उसके बाद है लॉन्ग पीरियड्स, लंबे समय तक का पीरियड्स आना। लंबे समय मतलब जनरली 5 से 7 दिन तो फिनिश हो जाना चाहिए, लेकिन अगर वही पीरियड्स 8 दिन 10 दिन 15 दिन तक जा रहा है तो ऐसे में महिलाएं आगे जा करके किसी गंभीर बीमारी का, समस्या का रूप ले सकता है। तो उनको जानना चाहिए कि इतने लंबे समय तक पीरियड्स जाना सही नहीं है, शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। उसके बाद है अनीमिया, कई ऐसे सारी महिलाएं हैं, लड़कियां हैं जिनको पीरियड्स ख़त्म होने के बाद में सर दर्द बना रहता है, कमजोरी लगता है, सांस फूलने लग जाते हैं, थकान महसूस होता है, वो बिल्कुल भी किसी भी काम को जल्दी कंप्लीट नहीं कर पाती है, थोड़ी देर में उनको चक्कर आना स्टार्ट हो जाता है। तो ये अनीमिया के संकेत है, क्योंकि पीरियड्स ख़त्म होने के बाद में, ब्लड लॉस होने के बाद में ऐसा संकेत आता है, तो आपको जानना चाहिए कि अनहेल्दी पीरियड्स के रीज़न है और अनीमिया के शिकार हो चुकी है, जिसमें ब्लड लॉस बुरी तरीके से हो जाता है और ब्लड का कुछ ग्राम बस शरीर में बसता है। तो ये भी एक कारण है अनहेल्दी पीरियड्स की, एनीमिया नहीं होना चाहिए महिलाओं को या लड़कियों को। उसके बाद है टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम, ये एक ऐसी गंभीर समस्या है पीरियड्स होने के बाद में, जो महिलाएं होती है उसको बहुत ही ज़्यादा चक्कर आने लग जाता है, भूख नहीं लगती, उनका वजन पूरा डाउन हो जाता है, उनको चक्कर की वजह से बीपी डाउन होना स्टार्ट हो जाता है, बीपी डाउन होने की वजह से वो शॉक की कंडीशन में चली जाती हैं। ये भी एक रीज़न है अनहेल्दी पीरियड्स की। ये इसलिए होता है क्योंकि जब उन महिलाओं को जिनको बहुत ही ज़्यादा ब्लीडिंग लंबे समय के लिए होता है और पेनफुल ब्लीडिंग होता है, क्रैम्पिंग बहुत ज़्यादा बना रहता है, तो इस कंडीशन में उनको टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम होने की संभावना होती है। सातवां कारण है एक्ने, पिंपल। एक्ने जो होता है, पिंपल होता है, कई बार ऐसा देखा गया है कि जिनको पीरियड्स आने वाला रहता है तो पिंपल स्टार्ट हो जाते हैं फेस में दिखने के लिए, लेकिन वहीं पर जब पीरियड्स धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं तो पिंपल भी अपने आप सबसाइड होना स्टार्ट कर देता है।
है। लेकिन किन्हीं लोगों में एक्ने खत्म नहीं होता है, बहुत सारे लोगों में एक्ने खत्म नहीं होता है, वो इस पीरियड से लेके आने वाले पीरियड्स तक भी एक्ने लंबे समय के लिए बना रहता है, तो वो भी एक कारण है अनहेल्दी पीरियड्स का। क्योंकि एक्ने जो होता है बहुत सारे हार्मोनल डिस्टर्बेंस और हार्मोनल चेंजेस की वजह से होता है। तो इस कंडीशन में आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप हेल्दी पीरियड्स हैं आपके या अनहेल्दी पीरियड्स हैं। एक्ने जो है उसको आपको ध्यानपूर्वक देखना चाहिए कि आपका एक्ने कितने लंबे समय के लिए आपके बॉडी में परसिस्ट करता है। उसके बाद है हेडेक। हेडेक इसलिए होता है अनहेल्दी पीरियड्स में क्योंकि लंबे समय से और अनहेल्दी तरीके से पीरियड्स होने की वजह जो महिलाएं हैं ब्लड लॉस होने की वजह से उनके बॉडी में ऑक्सीजन लेवल डिक्रीज हो जाता है और वो डायरेक्ट हेडेक का रूप ले लेता है। हेडेक हो गया, डिजीनेस हो गया, थकान हो गया, ये सारे सिम्टम्स महिलाओं को दिखने लग जाते हैं पीरियड्स जस्ट खत्म होने के बाद या पीरियड्स के ड्यूरेशन में भी हेडेक होना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद है ब्लॉटिंग, गैस का बनना। ब्लॉटिंग इसलिए होता है क्योंकि पीरियड्स के समय जो प्रोजेस्टेरोन का जो लेवल रहता है वो बहुत ही ज़्यादा हाई होता है और हाई प्रोजेस्टेरोन होने की वजह से वो अल्टीमेटली आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को अफेक्ट करता है। डाइजेस्टिव सिस्टम में पाचन क्रिया जो भी है वो आपका गैस बनाना चालू कर देती है और आप गैस जैसे संबंधित बीमारी में ग्रसित रहते हैं। तो ये है आपका अनहेल्दी पीरियड्स। और भी साथ साथ जैसे कारण है डिसमेनोरिया, अनहेल्दी पीरियड्स में बहुत ही ज़्यादा डिसमेनोरिया होगा। डिसमेनोरिया मतलब क्रैम्पिंग वाला पेनफुल कंडीशन हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा पेन होना, पेन के साथ में ब्लीडिंग होना, तो ये होता है डिसमेनोरिया कंडीशन। और उसके बाद है जैसे प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम भी हो गया। प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम जो होता है वो मेंस्ट्रुएशन आने से पहले होता है, मतलब जो आपके महीना आएंगे जैसे 12-13 साल की लड़कियाँ हैं तो उनका एज 12-13 साल में पीरियड्स होना स्टार्ट होता है, लेकिन उनका जो 11-12 साल से ही ये जो लक्षण दिखने लग जाते हैं उसको प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम बोलते हैं, जिसमें आपके मूड चेंजेस रहेंगे महिलाएं के, गर्ल्स के, थकान महसूस होगा, चिड़चिड़ापन महसूस होगा, पेट दर्द होने स्टार्ट हो जाता है। तो ये सारे सिम्टम्स आपके देखने को मिलते हैं अनहेल्दी पीरियड्स वाली महिलाओं को। तो आपको जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है क्योंकि हेल्दी पीरियड्स तो ठीक है लेकिन अनहेल्दी पीरियड जिन जिन लोगों को होता है उनको आगे जाके बहुत ही बड़ी गंभीर समस्या होने की संभावना होती है, जिससे आपको बचना चाहिए और आपका इलाज सही समय पर होना चाहिए। थैंक यू सो मच।